Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 0. So in lecture number 0 basically we talk about the syllabus and the respective course outcome, what are the objectives you will learn after going through this subject. So first of all, I will go through the syllabus so that you will come to know what you will study in this particular subject and what syllabus I will cover in this particular subject, in particular series, right? सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिलेबस के बारे में तो सिलेबस आपका दिस सिग्नल सिस्टम इज अ फुल क्रेडिट कोर्स. तो फुल क्रेडिट कोर्स कंसिस्ट ऑफ योर 5 यूनिट्स. तो दिस इज यूनिट नंबर 1 जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक सिग्नल्स एंड द सिस्टम, राइट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स वी आर सीन इन आवर डेली लाइफ और इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. तो हम इन सभी सिग्नल्स की बात करेंगे, लाइक यूनिट स्टेप है, रैंप है, इंपल्स है, देयर आर सो मेनी सिग्नल्स. बट अगर मैं इन ब्रीफ बात करूं सो यहां पे दो कैटेगरी में सिग्नल को डिवाइड किया जाता है. वन इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस एंड वन इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. उसके बाद आप इन्हीं सिग्नल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन इस यूनिट के अंदर देखोगे, लाइक एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, इवन सिग्नल है, यानी सिमेट्रिक सिग्नल है या एसिमेट्रिक सिग्नल. तो there are various types of signals जिनको आप पहचान करोगे, recognize करना सीखोगे कि signal कौन सी category में आ रहा है, and you will also do a numerical problem so that you will calculate the energies and the power of a particular signal. The next part of the unit is based on system. You will see the various types of system properties, like what is linear system, what is shift invariant system, what is causality, what is stability and what is reliability. तो ये सभी properties आप इस unit में one by one देखेंगे कि हम किस तरह से system को classify करते हैं, कि system इन property में से कौन सी property रखता है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ subject की, तो subject की अगर अभी आपसे मैंने केवल unit 1 को discuss किया है, और अगर मैं subject के जब अंदर चलूँगा तो basically this subject is more numerically type. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग और बिफोर आई कैन से कि ये किसी भी टॉपिक पे न्यूमेरिकली जाने से पहले हमें उसे समझना जरूरी होता है. तो जितना हमें थियोरेटिकली नॉलेज होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे एज ए कॉन्सेप्ट मिलेगी, बट उसके बाद हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, सो डैट यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, राइट. नाउ आफ्टर यूनिट 1 अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो डैट इज योर यूनिट नंबर 2, डैट इज कॉल्ड लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम, राइट. व्हाट इज द LSI सिस्टम, हाउ विल कैलकुलेट द इंपल्स रिस्पांस एंड द स्टेप रिस्पांस ऑफ द LSI सिस्टम, हाउ कैन आई कैरेक्टराइज द LSI सिस्टम, कॉजल है या स्टेबल है, हम किस तरह से चेक करेंगे, वो सब यहाँ पे देखेंगे. अब जब आप यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स की बात करेंगे, जब स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स इनपुट जो हम अप्लाई करेंगे इस LSI सिस्टम के अंदर, तब आप वहाँ पे देखोगे दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट, लाइक पीरियोडिक इनपुट हो सकता है, नॉन पीरियोडिक सकता है, और ये सारा का सारा सिग्नल्स हम यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर अप करेंगे. तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो दिस फर्स्ट यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप पूरा एक बेस समझेंगे कि जो हमारे आगे आने वाले यूनिट्स में कहीं पे भी यूज हो जाएगा, कि व्हाट इज सिग्नल एंड व्हाट इज सिस्टम, राइट. तो अगर सेकेंड यूनिट में मैं आगे बात करूं तो इस सेकेंड यूनिट में आप लोग पढ़ोगे सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड डिफरेंस इक्वेशन, राइट. देन उसके बाद आप यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जो हम बीच में इन सभी टॉपिक्स में देखेंगे भी, एंड इसका इंपल्स रिस्पांस से क्या रिलेशन होता है. दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2. नेक्स्ट अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो दैट बेसिकली अ मच लेंथी यूनिट, बिकॉज इस यूनिट के अंदर आपको पूरी की पूरी एनालिसिस करनी है किसकी, यही जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, इन सभी सिग्नल्स की एनालिसिस की जाती है, सिस्टम्स की एनालिसिस की जाती है इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन, सो दैट हम इन सिस्टम को ईजिली कैलकुलेशन दे सकें. सपोज यहाँ पे आपने एक वर्ड अभी मैंने आपको बोला था डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन, राइट. डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सुना है, मैथ्स में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए एक इजी डोमेन होता है, दैट इज कॉल्ड लाप्लास डोमेन. तो यूनिट 3 में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा इसी लाप्लास डोमेन की बात करूंगा, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम किस तरह से एस डोमेन में जाएंगे, एस प्लेन क्या होता है, वहां पे पोल्स एंड जीरोस का क्या कॉन्सेप्ट है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, कहां पे लाप्लास डोमेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो सब चीजें से देखेंगे. देन उसके बाद हम बात करेंगे लाप्लास डोमेन एनालिसिस, दैट इज सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम बिहेवियर, कि हम किस तरह से जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सिस्टम जो डिस्क्राइब किया जाता है बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे लाप्लास डोमेन के थ्रू कितना इजीली मैं एनालिसिस कर सकता हूं, वो सब यहां सीखने वाले हैं. यही सेम चीज आप इसी यूनिट के सेकंड पार्ट में देखोगे, दैट इज कॉल्ड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, राइट. यू विल सी द फूरियर ट्रांसफॉर्म, आप फूरियर सीरीज से पहले भी वाकिफ हो, आपने नेटवर्क्स में पढ़ा है, मैथ्स में भी कहीं ना कहीं देखा होगा. तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सिग्नल का, लाइक साइन वेव है, कोसाइन वेव है, साइन सीरीज है, हाफ वेव साइन सीरीज है, वो सब आपने फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो देखी है वो यहां पे भी आएगी. साथ के
साथ यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आएगा। अब अगर मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा तो टॉपिक बनता है सीटीएफटी, राइट। तो हियर इट इज कॉल्ड द सीटीएफटी, और इन सभी में आप देखोगे हर एक ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे मैं आंसर्स करूंगा तो हर एक ट्रांसफॉर्म लगभग सिमिलर है, बट वे ऑफ नोशन चेंज हो जाता है कि हम फोरियर में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाप्लास में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो एनालिसिस का वे है वो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली सिमिलर जाने वाला जब आगे आप डिटेल्स में देखोगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज आएंगी, लाइक कन्वोल्यूशन है, मल्टीप्लीकेशन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैम, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फेज रिस्पॉन्स कैसे बनाया जाता है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कैसे बनाया जाता है। देन अगर मैं डिस्क्रीट टाइम की बात करूं तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी जब डिस्क्रीट सिग्नल गिवन होगा तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द डीटीएफटी। तो आप डीटीएफटी डिटेल में देखेंगे। देन उसके बाद एक यहां पे टर्म है दैट इज डीएफटी, जी हां, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटीएफटी एंड डीएफटी, वो सब चीजें आपको यूनिट के अंदर आएंगी। बट अगर इस यूनिट की बात करूं तो दिस यूनिट कंटेन्स बेसिकली फाइव मेजर पोर्शन, वन इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वन इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिकली तीन पार्ट हो गए आपके, वन इज सीटीएफटी, वन इज डीटीएफटी एंड वन इज कॉल्ड डीएफटी, राइट। आफ्टर दीज फोर पार्ट एक पार्ट यहां पे मेंशन है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज भी अपने आप में अच्छा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला दिस कंप्लीट यूनिट टेक्स अ वेरी वेरी लेंथी यूनिट। सो ये है यूनिट नंबर 3 ऑफ सिग्नल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो नेक्स्ट यूनिट अगेन अपने आप में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म एनालिसिस है, दैट इज योर डिस्क्रीट सिग्नल टाइम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एनालिसिस के लिए जो हम डोमेन यूज करते हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पे आप पूरा जेड ट्रांसफॉर्म स्टडी करेंगे, डिफरेंट सिग्नल्स का जेड ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन वी लुक अप जेड डोमेन एनालिसिस। जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है वो डिफरेंस इक्वेशन से एनालिसिस किया जाता है, तो उन डिफरेंस इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर लेते हैं हम जेड ट्रांसफॉर्म से। एंड द लास्ट यूनिट नंबर 5 जो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी, बट अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट जो अब तक हम यहां पे पढ़ रहे हैं दैट इज मैं दो ही वर्ड की बात कर रहा हूं, वन इज कॉल्ड कंटीन्यूअस, वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट। तो यहां पे भी आप देखोगे हम किस तरह से कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द वे इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, राइट। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपने पहले भी सुना है तो इसलिए मैं यहां पे इस वर्ड को यूज कर रहा हूं। तो इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में सबसे पहले लगा होता है सैंपलर, That is called sampling theorem. तो इस यूनिट में बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में आप पढ़ोगे, what is that sampling theorem, sampling क्या होती है, किस तरह से की जाती है, और जब एक sample सिग्नल जो मेरे पास आएगा उसका स्पेक्ट्रम कैसे आएगा वो सब हम देखेंगे, और sample सिग्नल से हम वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, what is the ideal interpolator, what is zero hold, first order hold, ये सब चीजें हम उसमें वहां पे देखने वाले हैं। एंड वन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप इस यूनिट में पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड अलाइजिंग, ये इफेक्ट आपका क्या है, किस तरह से रिमूव किया जाता है, सैंपलिंग में कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों अकर होता है, वो सब चीज आप इस यूनिट में यहां पे देखने वाले हो। तो अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो ये जो यूनिट नंबर 5 है दिस इज ऑलमोस्ट 50% और 60% कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि थ्योरी बेस्ड होगी, क्योंकि यहां पे आपका सैंपलिंग थ्योरम और ये सब जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल वे में ही पूछे जाते हैं। बट उसके अलावा जो आपके 4 यूनिट्स हैं, प्रीवियस 4 यूनिट्स, तो इन पूरी की पूरी यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जितना प्रैक्टिस यहां पे करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा इन केस ऑफ पेपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सिग्नल सिस्टम। नाउ अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, यहां पे टेक्स्ट बुक मेंशन होती है आपके सिलेबस में, तो हियर आई मेंशन ऑल द टेक्स्ट बुक व्हाट एवर मेंशन इन योर सिलेबस। और अगर मेन टेक्स्ट बुक की बात करूं तो जैसे कि मैंने यहां पे पहले भी आपको बोला है अभी कि इस सब्जेक्ट के अंदर मेनली आपको करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप जाने वाला है। तो बुक आप कोई सी भी रेफर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई मेंशन ऑल दीज बुक्स ओवर हियर। चाहे सबसे पहले ओपन हैम मेंशन है, दैट इज बेस्ड ऑन सिग्नल सिस्टम ओपन हैम, तो इसमें आपको प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वहां से आप प्रॉब्लम्स को देखिए, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैं जो बताऊंगा उसे अप्लाई कीजिए, चेक करना है आपको कि आप उस फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। कमिंग अप टू द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड कोर्स आउटकम, जी हाँ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू विल लर्न आफ्टर गो थ्रू दिस सब्जेक्ट। तो अगर मैं फर्स्ट आउटकम की बात करूं दैट सेज एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, जी हाँ, आप फर्स्ट यूनिट को जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से हम उन्हें एनालिसिस करते हैं, पीरियोडिक कैसे चेक करते हैं, एनर्जी कैसे चेक करते हैं, सब आप इस फर्स्ट यूनिट के अंदर गो थ्रू करेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट आउटकम, एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स।
देन अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो वहाँ आप पूरा का पूरा LSI सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर टाइम शिफ्ट शिफ्ट इनवेरिएंट क्या होता है, किस तरह से हम उसमें इंपल्स रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे, पूरी की पूरी एनालिसिस सीखेंगे ऑफ दिस LSI सिस्टम। नेक्स्ट अगर आउटकम की बात करें तो इन द थर्ड यूनिट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सिग्नल इन देयर फोर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। देन इन द नेक्स्ट यूनिट यू विल एनालाइज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स इन जेड डोमेन एंड इन द लास्ट यूनिट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिग्नल। तो जैसे जैसे आप यूनिट पढ़ते जाएंगे एक एक आउटकम आपका अपने आप कवर होता चला जाता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस आउटकम बिकॉज दीज आर द नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स जो आपको पता होने चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। सो दीज आर द आउटकम, दीज आर द ऑब्जेक्टिव व्हाट यू विल लर्न आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट डिजाइन बाय AKTU, राइट। नाउ अब मैं अपकमिंग लेक्चर्स की बात करूं तो बेसिकली मैं सब्जेक्ट को जो डील करूंगा स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर वन, बिकॉज जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था यूनिट वन इज द बेसिक ऑफ दिस कंप्लीट सब्जेक्ट। आपको जब तक वेरियस सिग्नल्स और सिस्टम नहीं पता होंगे तब तक आप इस सब्जेक्ट में आगे नहीं जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर वन, देन यूनिट नंबर टू, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फोर बेसिकली, पहले जेड ट्रांसफॉर्म, देन वी विल कम टू द यूनिट नंबर थ्री जो कि जैसे कि मैंने बताया काफी लेंथी भी है, हर टाइप का ट्रांसफॉर्म इसमें है, फोरियर है, लैप्लास है। सो विल कम टू यूनिट नंबर टू एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट वी विल कवर यूनिट नंबर फाइव। दिस इज माय वे, बट आपको जो वे अच्छा लगे आप उस वे में लेक्चर्स स्टडी कर सकते हैं। वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगी, वंस यू गेट ऑल द वीडियोस देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट ऑलवेज आई रिकमेंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस टू यूनिट सो दैट यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू विल हैव टू डू इन यूनिट नंबर थ्री एंड फोर। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर वन, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल्स। थैंक यू।